हाय गाइस, तो आप लोगों के सामने आ गया जो इतना देर से इंतजार का घड़ी था। अभी आप लोग देख लीजिए। ये तो अभी इनको होने वाला है ओपन। टन वाओ, वेरी नाइस। वेरी वेरी नाइस। और साथ ही आया है इसमें स्टेप। इसके साथ डाटा केबल, चार्जर, प्लग, ये चार्जर। वाओ, और कुछ है? उसी दुकान का फोटो भेज के, उसकी दुकान का फोटो भेज के। अरे इसमें इतने मैसेज फ्लिपकार्ट के आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट से आपका सर ये ऑर्डर दे, ये ऑर्डर दे। अरे इस सिम मैंने लिया है, आधार कार्ड मैंने लिया, तो नाम मेरे पे होने चाहिए। मैं जो जिस दिन सिम 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 चेक किया बैंक में, तो उसके नाम से आ रही है। मैं बोल ये बोले माता फोन पे, ये हो गया मेरे को धीरे धीरे, अभी 15 दिन हो गए। 15 दिन और हाँ जानी नहीं है। और ये नंबर नंबर है जो ना, अपना नंबर हम मेरे को दे दिया। मैंने बोला सर, हाँ, और मैं बोला कि मैं अपने अपने से मैं अपना नंबर चूज करूंगा। बोला सर यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, जो हम देंगे वही होगा। आप कोटक बैंक से बोल रहे हो ना? तो मेरा बिल्कुल सर। मैं बहुत कम हूँ, मैं खुद ही देख रहा हूँ बैच। 15 दिन से इस पर किसी और का कॉल, और हमेशा फ्लिपकार्ट का कॉल, सर आपने ये ऑर्डर किया है, दिल्ली से फोन आ रहा है। तो बैंगलोर का क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने क्या किया उस बहन के लोगों ने, दुकानदार वाले। मैं गया, मैं बोला अपने अपने से मैं चूज करके नंबर लूंगा। हाँ। इसने बोला नहीं, जो हम चूज करके देंगे वही होगा। ओके ओके, ठीक है। ये जब से सिम लिया उसमें फ्लिपकार्ट, दिल्ली से फोन, बहन छो कोटक बैंक से फोन। बताओ, बार बार फोन आया जा रहा है। ये अभी मेरे को बताया बंदा कि इसने कितने, 15,000 का? 21,499। 21,499